नमस्कार भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे प्राकृतिक चिकित्सक से हम मिलाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आज के वर्तमान में आप अपने शरीर को कैसे निरोगी रखेंगे, कैसे रोग मुक्त रखेंगे। वो आपको देशज जो विधि है, जिसमें कि पैसे नहीं लगते हैं या आसपास के चीज़ों को प्रयोग करके आप कर सकते हैं, उसके माध्यम से वो आपको बताएंगे, निरोगी रहें आप। और आज का जो वर्तमान में तो चारों तरफ जो मलेरियल बुखार या वायरल फीवर तमाम तरह के बीमारियां चल रही हैं, उससे कैसे आप छुटकारा पाएंगे, इसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे आपसे। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास, वो अपना परिचय देते हुए आपको खुद बताएँगे। आदरणीय देशवासियों, मैं डॉक्टर एच के चंद्रा आपको ऐसी कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास करके आप रोगों से, अपने आसपास के रोगों से बच सकते हैं। तो इस उपक्रम में जब आप निरोगी रहना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह कार्य करना है कि एक लीटर पानी आपको हल्का गुनगुना सुबह खाली पेट लेना है। उस दौरान 10-15 भी मिनट के लिए आपको धूप का सेवन करना है और 10 बजे तक आपको खाली पेट रहना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कम से कम 2 घंटे का समय दें उस पानी को पूरे बॉडी में फैलने के लिए और धूप का सेवन करें। इसके साथ साथ आप जो है, अगर उसके बाद कोई भी चीज़ आप लेते हैं, अगर अच्छा तो हो कि आप कोई फल फूल सलाद आदि का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप जो है अपने भोजन की प्रक्रिया जो है उसके 2 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के अपनाने से आप बहुत से वायरल फीवर से बच सकते हैं और आसानी से आप जो है कि अपने को निरोगी रख सकते हैं। इसके साथ ही आज के युग में, इस समय जो है वर्तमान में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जितने भी डेंगू के रोगी हैं वो अपना ध्यान रखें, गर्म पानी लें और जो है कि डाब या जो है कि नारियल पानी का उपयोग करें। उसके साथ सबसे सस्ता पपीता है, पपीता डेंगू का एकदम एक तरह से आप समझ लें कि उसका राजनीतिक दुश्मन है। जितना आप पपीता खाएंगे उतना ही डेंगू अच्छा होगा। उसके साथ पालक का जूस लें ताकि आपके वाइट सेल्स जो है उचित मात्रा में बनकर उस रोग से लड़ सकें। इस तरह फल फूल अनार कीवी बहुत से फल हैं, फलों का उपयोग करें। कुक फूड माने पकाया हुआ भोजन को एकदम बचाएँ। ये प्रक्रिया यदि आप 1 हफ्ते कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि शुरू से अगर कोई इसको अडाप्ट करता है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर क्रॉनिक स्टेज में है तब तो आपको दवा के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन इन बचावों को आपको करना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते तक आप यदि इस प्रक्रिया को अपना लेंगे तो डेंगू भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और इसके साथ ही आप शाम को टहलने के लिए, अगर आपके पास समय है तो 1/2 घंटे का समय दें, वो भी ज़मीन से टच होना चाहिए, ज़मीन से आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो दिन भर हम खाते पीते हैं लेते हैं वो सब एक एनर्जी पैदा करती है। उस एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के लिए, निकालने के लिए ज़मीन के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल आम तौर पर 100 में 99 लोग ज़मीन के टच में नहीं आ पाते, तो आप अगर समय है आपके पास तो किसी ऐसे मैदान में जाइए जहाँ ज़मीन से आपका टच हो सके। एकदम नंगे पैर आप ज़मीन पर 1/2 घंटे बैठिए ताकि आप जो आपकी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धरती में जा सके। तो ज़मीन से टच में रहने पर भी आप बहुत हद तक निरोगी रह सकते हैं। शाम को सोते वक्त भी आपको वही प्रक्रिया अपनाना है कि कम से कम 1/2 लीटर पानी आपको हल्का गुनगुना पी करके सोना है। अगर इस प्रक्रिया को 2-3 महीने आप अडाप्ट कर लेंगे तो आपको छोटा मोटा रोग या वायरल इन्फेक्शन या मौसमी बुखार वगैरह ये सब आपके पास आएंगे ही नहीं। मैं इसी के साथ आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।